नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। राहुल गांधी भारतीय राजनीति का एक शानदार चेहरा है, जिन्होंने अपने योगदान के माध्यम से राजनीति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनका ये सफर उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और विशेषज्ञता को दर्शाता है, जो उन्हें भारतीय राजनीति में एक उज्ज्वल सितारा बना देता है। राहुल गांधी राजनीति क्षेत्र में एक लंबी विरासत वाले परिवार से आते हैं। नेहरू गांधी परिवार में जन्मे राहुल गांधी कई वर्षों से राजनीति में हैं। 51 साल की उम्र में राहुल गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए अपने राजनीतिक करियर के माध्यम से अपना नाम बनाया है। हाल ही में उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य देश भर के लोगों से जुड़ना और उनकी चिंताओं को दूर करना था। उन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नागरिकों के साथ बातचीत करने और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने का मौका मिला। तो चलिए आज राहुल गांधी के बारे में आपको बताते हैं और उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जो शायद ही आपने कभी सुनी हो। राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। इनके पिता का नाम राजीव गांधी और माता का नाम सोनिया गांधी है। राहुल एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इनके पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गांधी का परिवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। राहुल गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आते हैं। इनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही हैं। इंदिरा गांधी के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इस प्रकार राहुल गांधी गांधी परिवार की चौथी पीढ़ी के राजनेता हैं। राहुल दो भाई बहनों में बड़े हैं। इनकी बहन प्रियंका गांधी भी राजनीति में सक्रिय हैं। राहुल गांधी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से प्राप्त की है। आपको बता दें, इसके बाद उनका दाखिला देहरादून के प्रतिष्ठित द दून स्कूल में कराया गया। राहुल गांधी ने प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से स्नातक की शिक्षा पूरी की। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री प्राप्त की। इस प्रकार राहुल गांधी एक उच्च शिक्षित राजनेता हैं। वर्ष 1983 के सिख दंगों के चलते श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। इस दौरान राहुल गांधी को अपनी पढ़ाई घर पर ही करनी पड़ी। इसके पश्चात राहुल प्रधानमंत्री बने। राहुल के पिता राजीव गांधी की भी हत्या हो गई, इसीलिए राहुल गांधी को सुरक्षा कारणों से अपना नाम बदलकर अपनी उच्च शिक्षा पूरी करनी पड़ी। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने लंदन के मॉनिटर ग्रुप में 3 साल तक बतौर स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट कार्य किया। इसके बाद राहुल भारत आ गए और मुंबई स्थित एक आउटसोर्सिंग कंपनी बैकअप्स प्राइवेट लिमिटेड में बतौर निर्देशक कार्यभार ग्रहण किया। इसके बाद राहुल का झुकाव राजनीति की ओर बढ़ता गया और वर्ष 2004 में वे पूरी तरह से राजनीति में आ गए। उन्होंने अपनी मां और तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राजनीतिक बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया। इसके बाद वे सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का दौरा करने लगे। 2004 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट से लड़ने की घोषणा के साथ सक्रिय राजनीति में पदार्पण किया। साल 2004 में राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने इसकी शुरुआत पहले कर दी थी जब वे अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ वनडे क्रिकेट सीरीज देखने पड़ोसी देश पाकिस्तान गए। उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत संसदीय क्षेत्र अमेठी से की। यह सीट गांधी नेहरू परिवार के काफ़ी करीब मानी जाती है। इससे पूर्व उनकी माता सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव लड़ा करती थी। यह राहुल के पिता की भी सांसदीय सीट थी। अपनी मृत्यु से पूर्व राजीव गांधी भी अमेठी की सांसदीय सीट से ही सांसद थे। अपने पहले
चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी की जनता ने भरपूर प्यार दिया और राहुल गांधी ये चुनाव करीब 1,00,000 मतों के अंतर से जीतने में सफल रहे। इसके बाद वर्ष 2006 में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के द्वारा उन्हें पार्टी में पद लेने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इसके अगले साल उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव घोषित किया गया। इसके साथ ही वे राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। साल 2009 के लोकसभा चुनावों में एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। इस बार भी वे अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। इस बार उनकी जीत का अंतर पहले के मुकाबले अधिक रहा और वे लगभग 3,30,000 वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा। इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 21 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसी वर्ष उन्हें लोकसभा की मानव संसाधन विकास समिति का स्थायी सदस्य भी नियुक्त किया गया। साल वर्ष 2013 में राहुल गांधी को भारतीय राष्ट्रीय संघ राष्ट्रीय कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया। इसके अगले साल यानी वर्ष 2014 के आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से हार हुई। भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल हुआ और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार का गठन हुआ। भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को 282 सीटों पर बहुमत मिला। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कुल 336 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट को बचाने में कामयाब रहे और लगातार तीसरी बार अमेठी संसदीय क्षेत्र से जीतकर लोकसभा पहुंचे। कांग्रेस की शर्मनाक हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वर्ष 2018 के छत्तीसगढ़, कर्नाटक और राजस्थान के चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। पार्टी के इस प्रदर्शन का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया। उन्होंने तीनों राज्यों में घूम घूम कर कांग्रेस पार्टी का प्रचार किया और कई रैलियां की। साल 2019 के आम चुनावों में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की हार हुई और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार का गठन किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने इन चुनावों में पूर्ण बहुमत हासिल किया और 303 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं भाजपा के गठबंधन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को कुल 343 सीटों पर जीत मिली। इन चुनावों में राहुल गांधी ने दो लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ा। अमेठी संसदीय क्षेत्र और केरल की वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा। यह चुनाव राहुल के लिए शर्मनाक रहा क्योंकि वे अपनी अमेठी लोकसभा सीट से बीजेपी के नेता स्मृति ईरानी से हार गए। हालांकि वायनाड लोकसभा सीट से राहुल गांधी जीत दर्ज करने में कामयाब रहे और इस तरह से संसद पहुंचे। आपको बता दें कि लगातार दो लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। राहुल जनता से सीधा संपर्क करना चाहते थे और पार्टी के कैडर को एक बार फिर से मजबूत और बड़ा करना चाहते थे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत के सुदूर दक्षिणी हिस्से से उत्तरी हिस्से तक एक मार्च निकालने की योजना बनाई। इस मार्च को भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हर तरफ चर्चा हुई। स्थानीय मीडिया, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत जोड़ो यात्रा की खूब चर्चाएं हुई। राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर 2022 को अपनी भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा का उद्देश्य आम लोगों से संपर्क करना और देश की राजनीति में कांग्रेस को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करना था। राहुल गांधी ने पैदल ही यह यात्रा पूरी की। 136 दिनों तक चली इस यात्रा में राहुल गांधी पैदल तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कश्मीर के लाल चौक पर पहुंचे।
3500 किलोमीटर की इस यात्रा में राहुल को अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ। जनता के साथ साथ कई विपक्षी पार्टियों ने भी राहुल की इस यात्रा को अपना समर्थन दिया। इसे डीएमके, आरजेडी, जेडीयू, पीडीएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस आदि पार्टियां शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का समापन कर दिया। इसके बाद बारी आई 2024 के लोकसभा चुनावों की, इस साल भी देखा गया कि यहां पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ जुड़कर कई जगहों पर मजबूती से उतरती हुई दिखाई दी, लेकिन इसके बावजूद भी एक बार फिर से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद भी अब नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी संसद में, सदन में जिस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, ऐसे में वो समय दूर नहीं है जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री की गद्दी पर विराजमान होते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी की जीवनी इस प्रमुख व्यक्ति के जीवन, राजनीतिक करियर और पहल की एक झलक पेश करती है। अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा का नेतृत्व करने के अपने प्रयासों तक राहुल गांधी की यात्रा सार्वजनिक सेवा के प्रति जुनून और समर्पण में से एक है। साथ ही संसद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपनी बखूबी ढंग से जिम्मेदारियों को समझना राहुल गांधी की एक विशेषता को दर्शाता है। उनकी कुल संपत्ति, उम्र और यात्रा के हालिया निष्कर्ष की खोज से उनके जीवन के बहुमुखी पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे व्यापक विवरणों को समझकर ही हम समाज में राहुल गांधी के योगदान के प्रभाव और महत्व की सराहना कर सकते हैं। राहुल गांधी की जीवनी को सुनकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। उसी प्रकार की पेशकशों को देखने के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।